जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, एक और वैकेंसी निकली हुई है, जो कि ये वैकेंसी इंडियन आर्मी में है, जो कि बेंगलोर में निकली हुई है। तो साथियों, इस वीडियो में सारा कुछ डाटा बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में जो ट्रेडमैन की पोस्ट निकली है, कितना पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, और सारा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा साथियों। तो साथियों, बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, इंडियन आर्मी एसी सेंटर बेंगलोर वैकेंसी 2022 में निकाली हुई है। तो साथियों, डिपार्टमेंट जो है एसी सेंटर बेंगलोर है। आप लोग को साथियों बता दें, टोटल वैकेंसी 458 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है साथियों। जो लोग इंडियन आर्मी का देश सेवा करने का सपना सजाए रखे हैं, वो लोग तैयार हो जाइए और फार्म भरिए साथियों। एक ही पोस्ट रहे या 400 रहे या 200 रहे, तुम लोग को एक ही पोस्ट के लिए मतलब है साथियों। एक पोस्ट में सिलेक्शन हो जाए आप लोग का, वही बहुत है। तो साथियों, जो वैकेंसी टोटल निकली है 458 वैकेंसी निकली है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है साथियों। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। तो साथियों, बता दें पोस्ट जो निकला है, कुक, सीसी, आई, एमटीएस, चौकीदार, बार्बर, कैंप बार्बर और गार्ड का भी वैकेंसी निकला हुआ है, माली, मैसेंजर और साथियों स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, फिटर फायरमैन की वैकेंसी निकली हुई है। और भी वैकेंसी इसमें निकली हुई है साथियों। तो आप लोग को बता दें साथियों, फार्म अप्लाई डेट जो है 25/6/2022, यानी 25 जून 2022 फॉर्म ऑफलाइन भरना है साथियों। फार्म का जो लास्ट डेट है साथियों 15/7/2022 है, यानी 15 जुलाई 2022 है। सैलरी आप लोग को बता दें साथियों, सैलरी जो है 18,000 है, प्लस डीए एंड आल अदर अलाउंस, यानी अदर आप जाते हैं तो साथियों, यानी अपना पोस्ट छोड़ के अगर बाहर कहीं आप जाते हैं तो 29,200 रुपया प्लस डीए इसमें अलाउंस भी है। अगर फिर वहाँ से पोस्ट आपका और भी दूर जाता है, जैसे मेघालय हो गया, यानी नस्लाइट एरिया साथियों, जो नस्लाइट एरिया होता है, तो वहाँ पे आप लोग का जो डीए है वो बढ़ जाता है। और साथियों, आप लोग का 21,700 प्लस डीए एंड ऑल ओवर अलाउंस, यानी ऑल ओवर कहीं पर भी आप जाएंगे, कोई भी वैसा क्षेत्र रहेगा जहाँ पे नक्सलाइट रहता है, वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा सैलरी है। तो साथियों, आप लोग को एडुकेशन क्वालिफिकेशन बता दें, यानी योग्यता क्या मांगा हुआ है। तो बार्बर में साथियों 10वीं पास मांगा हुआ है, ट्रेड विथ वन ईयर एक्सपीरियंस साथियों। बार्बर में बार काटने का 1 साल का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, गार्ड का जो वैकेंसी निकला है आर्मी में, तो 10वीं पास निकला हुआ है, इस पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, लेकिन ट्रेड वर्क यानी ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, यानी गार्ड में क्या ड्यूटियाँ होती हैं और कुछ तो अनुभव होना चाहिए। और साथियों, बता दें एमटीएस माली गार्डनर की जो वैकेंसी निकली है, इसमें 10वीं पास मांगा हुआ है, ट्रेड वर्क यानी इसमें एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा हुआ है साथियों, लेकिन माली या गार्डनर का आपका अनुभव कुछ तो होना चाहिए। और साथियों, मैसेंजर की जो वैकेंसी निकली है साथियों, इसमें 10वीं पास है, 10वीं पास के साथ साथ साथियों 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, यानी 1 साल का अनुभव मैसेंजर में होना चाहिए। और साथियों, चौकीदार की जो वैकेंसी निकली है, 10वीं पास भी इसमें मांगा हुआ है, और वर्क ट्रेड यानी जो चौकीदार है उसका ज्ञान होना जरूरी है। और साथियों, फायर फीटर में 10वीं पास मांगा हुआ है, और वर्क ट्रेड यानी ट्रेड का ज्ञान होना जरूरी है। और साथियों, क्लीनर में 10वीं पास मांगा हुआ है, क्लीनर का मतलब होता है साथियों सफाई, जैसे लैट्रिन, बाथरूम, जो भी हुआ साथियों, क्लीनर उसी में आते हैं, तो उनमें भी 10वीं पास ट्रेड वर्क मांगा है, यानी ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। और साथियों, कुक जो होता है वो 10वीं पास, यानी भोजन बनाने का, तो उसमें एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा हुआ है साथियों, लेकिन कुक में इंडियन कुकिंग नॉलेज यानी भारत का जो भोजन है वो बनाने का नॉलेज होना चाहिए। और साथियों, आप लोग को बता दें, एग्जामिनेशन फीस जो मांगा हुआ है वो फ्री है साथियों, चाहे ओबीसी हो या जनरल हो या एसी या एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो,
छूट मिला है यानी फीस नहीं लगा है। एज काउंट की बात करें साथियों, तो आप लोग का जो एज मांगा हुआ है तो 15/7/2022 से मांगा हुआ है। और साथियों बता दें, जनरल का 18 से 25 वर्ष कैंडिडेट इस फार्म को भर सकते हैं, ओबीसी के 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट इस फार्म को भर सकते हैं, एससी और एसटी के कैंडिडेट 18 से 30 वर्ष कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों वैकेंसी डिटेल बता दें, कौन पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो साथियों आप लोग को बता दें, एसी सेंटर साउथ 2 में आप लोग को बता दें बेंगलोर में जो वैकेंसी निकली है, कुक में 16 वैकेंसी है, सिविलियन में 33 वैकेंसी है, चौकीदार में 128 पोस्ट है, सीमित में 1 वैकेंसी है, बार्बर में 5 वैकेंसी है। साथियों ईआर में 2 वैकेंसी है, गार्ड में 19 वैकेंसी है, माली में 1 वैकेंसी है, मैसेंजर में 4 वैकेंसी है। साथियों टोटल पोस्ट 209 है, जो कि 209 जो साथियों पोस्ट है उसमें साउथ 2 ATC बेंगलोर में ये वैकेंसी है। और साथियों बता दें, जो एसी सेंटर नॉर्थ फर्स्ट जो पड़ता है, 1 पड़ता है, उसमें स्टेशन ऑफिसर का 1 वैकेंसी है, फायरमैन का 59, फायरमैन ड्राइवर का 13 वैकेंसी है, फिटर का 3 वैकेंसी है। और साथियों बता दें, मोटर ड्राइवर का 153 वैकेंसी है, यानी टोटल 249 वैकेंसी है। और साथियों बता दें आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटेन एग्ज़ाम होगा, इसके ये रिटेन एग्ज़ाम के बाद स्केल फिजिकल होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद साथियों मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद बता दें साथियों आप लोग को फॉर्म भरकर कहाँ छोड़ना है ये भी बता दें, तो फार्म सेंडिंग एड्रेस बता दें आप लोग को साथियों, तो ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के में भी आप लोग को फार्म कहाँ पे भर के छोड़ना है वो भी मिल जाएगा। तो साथियों बता देता हूँ इस वीडियो में, द प्रोस्टेडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQASC सेंटर साउथ 2 ATC आग्रम पोस्ट बेंगलोर 07। और साथियों बता दें, जो फर्स्ट नॉर्थ का छोड़ना है बेंगलोर में वो बता दें, द प्रेस्टेडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड HQASC सेंटर नॉर्थ फर्स्ट ATC आग्रम पोस्ट बेंगलोर। तो साथियों आप लोग फार्म को सही से भरकर वहां पे भेज दीजिए, और साथियों जो भी वैकेंसी आएगा इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो साथियों वंशिका आलजा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए और आल पे क्लिक करिए नोटिफिकेशन पर, ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। धन्यवाद साथियों।